ओके तो हो चुका है भाई इसके अनबॉक्सिंग। तो भैया बताइए खुशी कितनी हो रही है? बहुत कम, क्योंकि भाई साहब का पैर यहाँ खड़ा है और एक्चुअली सीन ऐसा हुआ था कि उसके घर में मना किया, प्लीज कुछ रिव्यू देना चाहेंगे इसके लिए? नो कमेंट्स। ओह माय गॉड, दुख देख रहे हो। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? तो आज हम जाने वाले हैं फिर से पंचकुला से, मतलब कि अपने घर से सोलन। एक्चुअली आज मेरा कज़न बाइक निकालने वाला है, हस्क्वर्ना स्पार्कलिंग। पहले उसने हस्क्वर्ना मिडप्लिन के लिए बोला था बट वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो स्पार्कलिंग अवेलेबल है, तो अभी वो निकालने वाले हैं हम सोलन कंडाघाट से। और वो खड़ी है अपनी धन्नो, अभी लेकर निकलने वाले हैं। और हमेशा की तरह नई सुबह के साथ नई दिन की शुरुआत, तो देरी नहीं करते चलते। वो निकल चुके हैं एक्चुअली बस में आ रहे हैं नाहन से और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सो चलते हैं। अब यार वही दिक्कत, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। फोन रखा है हेलमेट के आगे। तो पूरा फेंक दिया है, अब हम चलते हैं अपने मंजिल की ओर। देख रहा मुझे, वेल पहली बात तो मिरर, सो बताना गाइस पिछली ब्लॉगिंग कैसी लगी, और जो गलती होगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बता। सो भैया हम पहुंच चुके हैं, फ्यूल थोड़ा फ्यूल भरवा लेते हैं। लंबा जाना है, फ्यूल तो ज़रूरी है भाई। चार सौ का कर देना, X95 400 हाँ। ऑलमोस्ट फुल्ली है, गिने लेंगे।
सौ का डाल दो, 200 आगे दे। बोलोगे उसी जगह पे कहाँ पे? चलिए हम पहुँच चुके हैं जहाँ से हम पिछली बार कसौली गए थे, उस पॉइंट पर। तो हमने कसौली तक का शूट किया था, आपको उसके आगे का रोड नहीं पता होगा। वैसे पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए ये, और जिनको पता है यार उनको तो क्या ही बोल सकते हैं। तो कज़नों से बात की मैंने, वो पहुँच नहीं पाए, इन द सेंस अभी रास्ते में है, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो मुझे भी थोड़ा बीच में मंदिर जाना था, तो हमको भी टाइम मिल गया है। तो हम मंदिर जाएंगे, उसके बाद आगे का। तो हम जरा मंदिर होके आते हैं। फिर उसके बाद आगे की ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो भाई लोग, अभी हम थोड़ा खाना खाने रुके थे, अब चलते हैं। कज़न और आगे जा रहे हैं, फिर हम उनसे मिलेंगे, फिर शोरूम। अरे हाय यार, पीछे हेलमेट है रखा। ये सोलन माल रोड। अरे यार ये हेलमेट।
कज़न और को बिठा दिया है शोरूम के लिए, और अब हम जा रहे हैं खुद शोरूम के लिए। तो चलते हैं। अरे पीछे हेलमेट बहुत परेशान कर रहा है। थोड़ा सा आगे आ गया जिससे हमको पता चल जाए उतरना कहाँ से, हमको पता नहीं है भाई, कीड़े वगैरह घुस गए मुंह में, पता नहीं। हम पहुँच गए सिस्टम के बाद है शोरूम, जहाँ से हमारी ये धनो भी खरीदी है हमने। तो ये है शोरूम, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये है शोरूम KTM की, और हम पहुंच चुके हैं। दिखा दूँ एक बार, ऊपर बाइक खड़ी है 200 देख सकते हो न्यू आर से, बाकी भी कज़न आ रहे हैं, पहुंच चुके हैं। ये दो मेरे कज़न हैं, तो अभी करते हैं इनसे बात। बाकी ये रहा शोरूम आपका, ड्यूक दिख रहा होगा आपको। ओके तो हो चुका है भाई इसके अनबॉक्सिंग। तो भैया बताइए खुशी कितनी हो रही है? बहुत कम, क्योंकि भाई साहब का पैर यहाँ खड़ा है। और एक्चुअली सीन ऐसा हुआ था कि उसके घर में मना किया, सिर्फ इसके प्लेन सीट की वजह से, वो आपको पता ही है फैमिली प्रॉब्लम जो आरसी में देखने को पक्का मिलेगी। तो भाई साहब का प्यार था 390, बट अब इनका प्यार ये बन चुका है। तो अब प्लीज कुछ रिव्यू देना चाहेंगे इसके लिए? नो कमेंट्स। ओह माय गॉड, दुख देख रहे हो? चलो कोई बात नहीं, आएगी। वो देखो अभी भी बंदे का प्यार इधर है। देखो कॉन्फिडेंस, तीन साल बाद वो नहीं आएगी, सबकी सोच अलग होती है। अब देखते हैं, क्या पता आगे अच्छे लुक में निकाल दे, क्या पता इससे भी खतरनाक निकले। तो सर ये रहे हमारे कजन जी जो बाइक ले रहे हैं, और ये हमारे दूसरे भाई नाम विशाल, ये है आकाश। हम अपना फेस अभी दिखा नहीं सकते, सॉरी। और अभी हम दिख रहा होगा तो अच्छी बात है। तो अभी लेना है हम हेलमेट, अभी हम देख लेते हैं। बाकी बाइक दूसरी तरफ खड़ी है, उसका भी रिव्यू दे देंगे अभी। ये पड़ा था एग्जॉस्ट का ब्लू कलर में, और SMK में कितने हैं? मेरे वाला है बट कलर चेंज है। सो हम आपको बाइक दिखा देते हैं, बाकी तो कर ले। ओके okay?
मेरा शोरूम। पहले 390 की बात हुई थी बट 390 इसके फैमिली वालों ने कैंसिल कर दिया, तो इस वजह से विटप्लिन एस्पार्ट ये ले रहे हैं। विटप्लिन का अभी मॉडल नहीं है तो स्पार्टलिन पड़ी थी, तो अभी हमने इसके लिए कर दिया है। तो ये रही बाइक, बाकी जिनको तो पता ही है उनको तो क्या ही बताना है। इसका स्पीडोमीटर इसमें आई थिंक मेरे ख्याल तक आरसी से थोड़े बहुत फीचर्स आ जाते हैं, क्योंकि मैंने सुना था स्पार्टलिन में, पता नहीं विटप्लिन में पिछला अभी हम ऑफ कर सकते हैं। अब इसके फीचर्स मैंने अभी चेक नहीं किए, बाकी देख लेंगे। पहले मैंने भी सोचा था, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था इस बाइक के लिए, बट मुझे तो चाहिए ही कवर्ड बाइक थी। और इस लगे हाथ में आपको न्यू मॉडल भी दिखा देता हूँ आरसी 200 के। तीन मॉडल खड़े इधर, तीन कलर का नाम तो मुझे पता नहीं है। वेल बाकी इधर ड्यूक 390 है, ये खड़ी हमारी एडवेंचर 390। इसका भी प्लान सोच रखा था बट यार ये थोड़ा बल्कि सी बाइक है इस वजह से मना कर दिया। बाकी खड़े सो हम देखने जाते हैं अब हेलमेट की ओर। तो अभी ये है डिसाइड कर रहे हैं कौन सा हेलमेट लेना है कौन सा नहीं, उसके बाद देखते हैं। तो अभी शायद हमारा प्लान बन सकता है मंदिर का, तो वो जटोली में होगा, तो उसके बाद देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है। सो गाइज हम जा रहे हैं जटोली, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं जटोली भी कवर अप कर सकता हूँ शायद, तो आज हम जटोली जा रहे हैं पूजा करवाने के लिए उसकी बाइक की। तो इस लगे हाथ मैं मंदिर का भी रिव्यू दे दूँगा। ये है राजगढ़ रोड जहाँ हम जा रहे हैं, इसी रोड पे है मंदिर। ये जा रही है अपनी बाइक, मेरे कज़न ने लिया है स्पार्टलिन, अच्छी लग रही है यार, इतनी बुरी भी नहीं है बट नेकेड है। तो हम पहुंच चुके हैं मंदिर पे, ये रहा मंदिर। और वो दोनों ही पहुंच चुके हैं, बस वहीं पे लगा दें, बस 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 बस। तो ये मंदिर है, सही चल रही है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं जटोली मंदिर, तो मैं आपको वो मंदिर का व्यू दे देता हूँ। यहाँ से एंट्री है, वैसे एंट्री दो तरफ से, एक दूसरी तरफ से भी है, वहाँ पे कार से आप जा सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे। वैसे ऊपर कैमरा अलाउ नहीं करते, तो जहाँ तक अलाउ करते हैं वहाँ तक मैं वीडियो बना सकता हूँ। ये मंदिर राजगढ़ रोड पे है, मंदिर का नाम है जटोली। बाकी मैं लोकेशन और एड्रेस डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना।
उसे शिव जी का कुंड है और जो मंदिर है शिव जी का मैन वो दिखा देता हूँ। वो ये है, हाँ ये रहा मंदिर, यहाँ से एंटर है, ये रहा मंदिर। तो गाइस ये रहा मंदिर और ये रहे हम, ये रहे हम, ये और ये रहे, हाँ नहीं ये रहे हम और ये रहे हमारे कजन, हमारे भाई। और एक है जमीन खिसक गई नीचे से, ये एंट्री है मंदिर का, इसको मैं बाद में कवरेज करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुंड वगैरह दिखा के लाता हूँ आपको। इस साइड से सब कुछ तोड़ फोड़ के, ये छोटा सा अंदर है भाई, बाहर थोड़ी ना होगा। विशिंग वेल मांग सकते हो, विश मे बी यस शायद, मुझे इसका पता नहीं है। तो ये अब विश मांगने वाले, वैसे मैं बता तो नहीं सकता क्या विश मांगने वाले, मैं दिखा सकता हूँ कि क्या विश मांग रहे हैं क्या नहीं। डाल अपनी अपनी विशेष पूरी कर, अरे कमाल कर गया। बात एक हुई, कोई बात नहीं। तो जनाब चल बता क्या विश मांगा, नहीं बताना नहीं पड़ता है तो मजाक कर रहा हूँ। तो ये हमारे भोले जी, तुझे क्या बस चलो प्यार के छप, ये देखिए हमारे शिव जी चले यार, बिगड़ा डेटा क्यों चल रहा है, सीधा चलना माता के डांस करते जरूरत है ना, मैं तो पीछे से आ रहा हूँ ना। तो ये व्यू है, वो राजगढ़ रोड है जिस पे हम अभी आए, आगे राजगढ़ जाता है, मैं कभी गया नहीं हूँ बट उधर कभी गया तो उधर का ही ब्लॉग बनाएंगे, बाकी इधर का तो आप लोगों ने देख ही लिया है। देखिए हमारे हाँ स्लाइड है, बिल्कुल बिल्कुल वहां से घूम के जाना है तेरे को, वहां से स्लाइड करके आना है, स्लाइड पंडित जी आगे भाग गए थे तेरे को देख के, गलत टाइम पे एंट्री, नहीं नहीं गलत टाइम पे एंट्री मार दी उन्होंने, क्योंकि अभी बोल रहे थे ना रेस्ट टाइम में तो गलती से बाहर निकल गए, 3 बज गए होंगे, हाँ चेक कर चलो मिल के आते हैं इनसे भी। हेलो कैसे हो, बढ़िया, आप दोनों कैमरा में हो, अब यूट्यूब पे आओगे आप, ठीक है। हेलो कैसे हो, बढ़िया, तो ये दोनों यहाँ पे खेल रहे थे,
अब सोच रहे होंगे ये किस लिए, एक्चुअली यहाँ पे जिसको जब भी मैं एक्चुअली लंगर बोलते हैं इधर भंडारा बोलते हैं तो उसको देने के लिए काफ़ी स्पेस है, तो यहाँ दे सकते हैं, पहले जगह नहीं थी, पहले मुझे नहीं पता कहाँ देते थे। तो ये रहा, तो अब चलते हैं हम पंडित से करते हैं बात। टाइम बता राजू की दो 53। गंधम समर्पयामि एतानि क्षुदानि अर्चयामि इमानि पुष्पाणि समर्पयामि धूपम् अर्पयामि दीपं प्रदर्शयामि तथा भागं मन्ये सूक्तं नैवेद्यं 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 पुनराचमन्यं जलं समर्पयामि। इस साइड से उस साइड सर कोई नहीं कर रहा, यूज कर रहा है ऐसे। हां पर इससे इधर को फंगा मत, बोल मीठा मुंह करने को नहीं आया कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, देख मैं तो कर रहा हूं।